सुबह का 6:30 का टाइम, तो अपना गर्म पानी कर लिया था, साथ में एक नींबू निचोड़ लिया था, क्यों नींबू वाला जो दवाइयाँ ले रही हैं तो थोड़ा डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, ज़्यादा वो नहीं रहे ना। बीच में तो छोड़ दिया था मैंने, कई दिन दवाइयाँ ने परेशान कर रही थी, तो फिर अब फिर दोबारा लेने लगी हूँ नींबू का। एक्सरसाइज भी मेरी हो गई थी, ये तो लास्ट का चला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो डाल दे तू एक बार, तो सोच रही थी मैं छोटू एक्सरसाइजों को तो वैसे ही निकालती रहूँगी, बता दूँगी एक्सरसाइज कर ली, तो फिर मैं चलो डाल देते हैं, किसी की कुछ हेल्प हो जाती है तो दो चार, फिर वो कमेंट करके पूछने भी लग जाते हैं कौन सी एक्सरसाइज करते हो क्या करते हो, तो इसी तरह की करती हूँ अभी तो मैं, उछल कूद वाली तो ज़्यादा कर ही नहीं रही, लेट कर या पैर पर प्रेशर ना आए तो वो करती। राम राम जी सभी को, टाइम हो रहा है 9:45 के करीब हो रहा है ना, कढ़ी लग रही हूँ आज बनाने, बहुत दिन हो गए थे, मैं चलो कढ़ी बनाते हैं, बथुआ था नहीं फिर पालक काट के ले आई हूँ छत पे से, उस टाइम मौसम क्लियर था 8 बजे जैसे मैं काट के लेके आई, और अब धुंध हो रही है, नहीं यूँ कहते बारिश होने के बाद तो साफ हो जाएगा, साफ नहीं होया ना, अब इस टाइम पर धुंध हो रही हुई है, बल्कि 9:45 वो होता भी है, पहले भी कई साल पहले जिस तरह सर्दियों में देखते हैं कई बार बारिश होने के बाद धुंध हो जाती है, कई बार तो फरवरी में भी धुंध हो जाती। बथुआ खत्म हो रहा था, पालक और हरी मेथी दोनों ही डाली है मैं, थोड़ी ग्रीन ग्रीन ना और हेल्दी सी भी थोड़ी अच्छी लग रहा है, पकौड़ियों की बजाय इस तरह करी हुई, और लस्सी भी खट्टी हो रही थी कई दिन की हो रही थी, मैं चलो खट्टी खट्टी ना अच्छी बनाएगी ना, दो फिर हम जूट डाल के खट्टी करें तो वो हर एक वैसे ही नेचुरल खट्टी होती है, खट्टी अच्छी लगे, अगर हमारे को मिट्टी नहीं अच्छी लगे करती ना, थोड़ी खट्टी खट्टी ही रखा। जो भैया आज का ब्रेकफास्ट है पनीर भुजी और 2 ब्रेड, ब्रेड सेक ली खाने लगी थी, फिर मैं बातें साथ कैमरा ऑन था, बेटे ने कराया हुआ था तो ध्यान नहीं गया ना, फिर कैमरा भी ऑन है तो वैसे लगी हुई थी डालने वगैरह, तो अपना कर लेते हैं आज सुस ज़्यादा ही नहीं मैं वीडियो वो कर पाई, क्यों एक तो लेट उठी रात ना फंक्शन में से लेट आए थे, तो फिर यूँ है लेट उठी, फिर सुबह वो कमरा फैलना पड़ा था, संगवाना पड़ा, कहीं जावा है तो कभी कुछ निकाल के फेंक देना, कभी कुछ लेडीज़ का तो 20 बार तो नहीं देखना पड़ा है कि क्या डाल के जाओ क्या नहीं, वो सारी चीज़ें फिर तय कर कर ना रखनी, कोई सूट निकाल दिया कोई सारे निकाल दी कुछ चलती है, फिर ऊपर से ललिता बोली कि मैंने जल्दी आना है और किसी का जल्दी करना है, या तो आप लेट करवा लो या जल्दी करवा लो, फिर मैं चलो तू जल्दी आ जा, तो वो 10 बजे ही उसने आना था, तो मैं काम में लगी ही रही इसलिए मैं कैमरे के सामने फिर ज़्यादा नहीं आ रही थी, फटाफट फटाफट अपने काम निपटा रही थी, लेट उठना फिर ललिता का जल्दी आना और ये चीज़ें हो जाए तो फिर दोनों तरफ से वो हो जाती है ना, फिर थोड़ा लालच हो जाता है, या थोड़ी आधा घंटा तो कर ही लेती हूँ एक्सरसाइज, फिर वो भी तो काफ़ी कुछ यूँ मैनेज करना और उसी टाइम पर काम निपटाना, जिस टाइम पर उसने करने आना है झाड़ू पोछा उसके आने तक सारी चीज़ें संगवानी साफ करनी, तो वो हो रहा था एक परेड से वाली बात हो रही थी ना, इसलिए फिर मैं बाद में बात करेंगे ना, फिर क्या करने लग रही है आगे कोई लग रही है, बस कर दिया उसने अंदर का सारा कर दिया, और मेरा रह रहा है नाना धोना ही सारा काम, फिर मेरा भी निमट गया साथ के साथ ना, उसके आने से पहले जैसे पहले बता देती है एकदम आ जाती है फिर तो नहीं होता ना, फिर पहले बता देती है तो फिर मैं भी अपना उसी हिसाब से निपटा देती हूँ। धूप निकल गया आज तो, अच्छा भाई बारिश होली ये कई काम करने पड़ेंगे, खो देंगे ये उन खाद देंगे, फिर बारिश का इंतजार था, फिर बारिश में वो सारा निकल जाना था, तो और भी काम कई है वह करते हैं आज, कुछ भी में खाद पड़ जाएगा तो सही हो रहे हैं, लाल लाल चमकना लग रहा है आज तो, अच्छा लग रहा है जब यूँ देखे हैं ना सारे खुश, क्यों पानी देने की कई दिन ज़रूरत नहीं है इनमें, बखाद ही देती हूँ आज इनमें, वर्मी कंपोस्ट डाल लूँगी पहले तो और काम करूँगी कुछ। टाइम हो रहा 2 बजने वाले हो रहे हैं, काम छोड़ के ना बीच में पार्लर वाली का चली गई, उसका फोन आ गया, कई दिन हो गए कलर लगवाने की सोच रही थी, अपने आप घर में लगाओ तो आगे आगे वो लग जावा है, तो मैं आज सारे सिर में लगवा के आती हूँ, तो यही था अपने सेक्टर में पैदल गई थी तो पैदल लगवा के दो आ गए वहीं, दो आ गए नर अपना वहीं से आ गई, तो जरूरी हो रहा था थोड़ा, अब आगे कई फंक्शन है तो मैं लगवाए आते हैं, क्यों पहले तो धुंध का चक्कर था भाई, धुंध होती है ठंड है तो कहीं नहीं जाना, तो अब धुंध भी नहीं थी, धूप निकली हुई थी, तो फंक्शन है तो मैं चलो लगवा आते हैं, तो उससे फोन करके ना पहले पूछ लिया था, छत पर गई मैं जब उसके पास टाइम नहीं था, टाइम होएगा जब मैं बुला लूंगी, जैसे काम कर रही थी फिर छत में बीच में ही फोन आ गया, कहा जाओ मेरे पास टाइम है, मैं अपना कलर ही लगाती हूँ, मेहंदी नहीं लगाया करती, मेहंदी वाला फिर वो ज्यादा देर लगानी पड़े वो सिर में दर्द हो जाए, तो मैंने अपना कलर लगावा लोरियल का मैं यूज करा करूँ, तो जाकर लगवाई, अब मैं अपनी कढ़ी चावल खा रही हूँ और कढ़ी मांस डाले हुए हैं,
पालक और मेथी कट्टी कट्टी ही टेस्टी ही बनी हुई है, तीखी ही, ये खा लेती हूँ। फिर हमने दोबारा फिर काम लगाएंगे, फिर रह रहे थे बीच में छोड़ी गई थी मैं, और 32 बार करती ही हूँ मैं, फिर अपना वो चलता ही है। एक बार इसको कड़ी को निकाल, फिर भर लिया था सलाद वर्मी कंपोस्ट कर लगी सारे पौधे में ना, एक एक मुट्ठी जो भी जितनी भी जिनको जरूरत थी उतनी देने, और बिल्कुल गंजे हो रहे हैं अब पौधे, अब हो जाएंगे सही। ये भी नहीं कि एक बार पत्ते झड़ लेंगे ना तो फिर अपने आप लग जाएंगे ग्रो करने, क्यों सभी हरे हैं वो तो झड़ते भी हैं। पहले पालन हमारे ठंड थी वो उस पर गिरती रही, और अब वैसे पत्ते झड़ा जाना है तो उसके कारण फिर एक बार तो ये चीज़ होएगी। अरे ये तो पौधे हैं गंजे, इस कारण अच्छे लगे। ये तो आदमी आ गए सिर पर तो बाल उठ जाओ तो गंजे, तो वो भी अच्छे नहीं लगे करते। ये भी ग्रीन ग्रीन ही अच्छे लगे, जिस तरह सिर पर बाल काला अच्छा लगा है। न्यूट्रिशन की ज़रूरत पौधों को होती है, खाद पानी की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत मानव बॉडी को होती है, जिस तरह हमारे शरीर को होती है उसी तरह केयर करनी पड़ती है हर एक चीज़ की। ये बेजीव है हमारे में, जीव जान है, इस कारण थोड़ा वो हो जाते हैं, कुछ काटता है चुभता है, हमारे को दर्द होता है, इनको दर्द नहीं होता। होता तो होगा, जैसे कई बार वैसे ही कटक दे ही कर देते हैं, तो अपने आप तो होता ही है। जिसके अंदर थोड़ी ही, जो बंदा सेंसिटिव होगा तो उसको तो थोड़ा आता ही है, हाय मेरा पौधा यूँ हो गया, ये कर लिया। पौधा का सारा कर दिया, सब में खाद दे दिया, खाते थे ना सब में मिला दिया, क्यों माटी बिल्कुल ही यूँ हो रही थी भुरभुरी ही, मिट्टी तो होती ही नहीं हमारे तो, खादी हुआ अगर हाथ से सही मिल गया, खुरपे की जरूरत ही नहीं पड़ी। देख कितनी मोटी मूली पड़ी है मैंने, कितनी लंबी है, इतनी लंबी नहीं देखी होगी तो कितनी मोटी है, पर लंबी कितनी है, बस इससे थोड़ी ही बड़ी हो जाएगी, इतना तो इतनी ही होया अगर हमारी मूली, और है इतनी तेज, बहुत तिकी, सफ़ेद नहीं निकलती, बिल्कुल कच्ची मूली है, हवा चल रही है, एकदम धूप निकालते तो फिर वो बैठा भी नहीं जाएगा ना, तो हवा के कारण थोड़ी बहुत ठंडस बनी रहेगी, थोड़ी ठरकर दिन दिखाऊँ थी मैं, छोटे छोटे टमाटर थे, ये भी अब बारिश होने दें, थोड़ा हवा पड़ा है वो होया है ना कम, जिस तरह तो बारिश से एकदम आए ना बिल्कुल पीले हो गए थे पाले में, ये छोटे छोटे यूँ लगा था सारे मरेंगे, ये नहीं करो करेंगे, पर थोड़े ही आए हैं एक दिन की बारिश से निकल के ना, थोड़े ऊपर की तरफ आए हैं। सहे पी के ना एक बार कपड़े लेने जाना है, उस दिन वाले पड़े हैं साड़ी सूड़ी ब्लाउज व्लाउज वो दे कह रहे हैं, कल पीछे फिर टाइम नहीं मिलेगा ना, कम बता रही थी तो दो फंक्शन हैं और एक दिन में दोनों ही इकट्ठे ही हैं, कल ही बने लड़की को बैठाएंगे और कल ही लड़के को, जो दो हमारे हैं, एक के लड़के की शादी है एक के लड़की की शादी है, तो दोनों तरफ से जाना पड़ा करेगा डेली दो दो जगह, तो वो अब परेड ही होएगी कई दिन। तो आज मैं अपने कपड़े उठा लेती हूँ साड़ी सूड़ी, एक बार अब बुटीक में जा जाती हूँ अपने उठा लिया, क्यों कल फिर टाइम भी नहीं होएगा ना जाने के लिए स्पेशल, दो जगह जाने के बाद फिर घर के काम होने के बाद फिर टाइम नहीं होता, फिर आदमी थक भी जावे है, फिर यूँ भी रह गया भाई अब तो घर के काम बना कर लिया, अब तो अपना खाना ही खुना बना आज नहीं कल, फिर जाया नहीं जाएगा ना, बिजी इतने हो जाएंगे। फिर पाँच चार दिन का तो मैं बता रही थी, दो शादियाँ हैं जानकारों की, एक के बेटे की एक के बेटे, तो दोनों तरफ में होने के बाद फिर नहीं जा जाता, तो अब एक बार ले आती हूँ। मैं नहीं पूछ रही थी उस दिन अगर आप साड़ी लाए, आपने दिखाया नहीं तो मेरे पास अब पहले टाइम नहीं था, उस दिन तो मेरे पास टाइम नहीं था क्यों मेरे को साड़ी तैयार करवाने की जल्दी थी, और अब आने के बाद जैसे कपड़े लेके आने के बाद मेरे पास फ़ोन आ गया, तो मैंने जाना है अब जगराता में, तो मैं काम ही लगी हुई थी जबकि ना खाना खुना बनाना और उसी में ही बिजी थी, तो अब मैं तैयार हूँ, रात ना 8 बज रहे हैं, अब जाने से पहले मैं अपने ब्लॉग की भी एंडिंग कर जाऊँगी और ये साड़ी भी दिखा दूँगी, क्यों मैंने और सूट भी नहीं किया था कुछ भी ना, ब्लॉग ही नहीं बनाया मैंने, सोचा मैं बहन ने बोला था तो मैं साड़ी दिखा देती हूँ। मैं तो ये साड़ी है बहन, बनारसी सिल्क में है ना, ये पिंक है ना ये मैजेंटा है, तो फोटो में तो जिस तरह वीडियो में तो आ रहा है पिंक था, तो नज़दीक आते हैं तो रेड रेड सा है, अच्छा कलर है, तो इसमें पल्लू है, ये लटकन में लगवा के लेके आई हूँ, तो ये पल्लू है, थोड़ा हा खोल कर दिखा देती हूँ ना, तो ये इसका पल्लू है, लटकन मैंने दो लगवाई हैं इसके, अब फॉल लगनी देके आई थी ना, मेरे को थोड़ी ही जल्दी थी इसकी तैयार करवाने की, दो तीन फंक्शन ऐसे हो गए ना, फिर थोड़ी ही हल्की साड़ी चाहिए थी, और वैसे भी सेल थी, मेरे को पसंद आ गई, कलर मेरे को ठीक लगे, रेट ठीक लगे थे, इसलिए मैं ले आई थी। और ये इसका ब्लाउज है, ब्लाउज पूरा नहीं दिखाऊंगी खोल के, तो मैं दूसरी तरह के सिलवाया करूँ, हमने पैडेड वाले सिलवाते हूँ, तो अब वीडियो में वो चीज़ नहीं दिखाऊंगी मैं, बाजू बाजू ही दिखाऊंगी, तो ये सारे ही ब्लाउज पर ये है, बस बाजू का ये है।
तो उनकी पेटी वालों की फिटिंग सही आ जाती है अगर हम साड़ी डालते हैं ना दूसरे ब्लाउज की बजाय। और पीछे से मेरा ओपन ही होता ब्लाउज का, आगे से मेरा बंद होता, आगे से नहीं होता, पीछे से। 5 मीटर की ननंद ने जॉर्जेट की साड़ी लेके आई थी तो वो बिल्कुल ही पतली थी, उसमें को सब कुछ दिखा था। तो जैसे मैं तैयार करने के लिए लेके गई, मेरी बूटीक वाली बोली कि अच्छी नहीं लगेगी आपका, बिल्कुल ही पतला रहा, आप डालो भी नहीं गे, वैसे तैयार करवा के पैसे लगा के रखोगे। इसका कली वाला ब्लैक सूट बनवा लो अनारकली। तो ये मैं बनवा के लेके आई हूँ अनारकली। कई बार ड्रेस कोड हो जाते हैं ना शादी में भी, और 2 लटकन उसने लगा दी बैक साइड में, तो ये लटकन लगी हुई हैं। तो डालने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, अच्छी फिटिंग आई हुई थी। तो ये 2 सूट ले आई हैं। साड़ी मैंने दिखा दी, साड़ी का अगर आप रेट पूछोगे तो कमेंट में रेट भी बता दूंगी और ऐप भी बता दूंगी कौन सी ऐप से मंगवाई हुई है। अब फिलहाल सेल थी और साड़ियाँ देखी तो उनकी तो काफ़ी रेंज थी। मैं सोचूं थी ना एक आध कलर और पसंद आ जाता तो उनका तो रेट काफ़ी आई था। तो इसी के साथ अब मैं ब्लॉग की बैंडिंग कर देती हूँ, क्यों मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जिसके साथ मैंने जाना है वो आने वाले हो रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर, तब तक राम राम।